अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है कि हम हाउ टू इंसर्ट अ डिव इनसाइड अ डिव एंड सेंटर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल HTML का टैग हमने लिखा हाउ अ डिव इनसाइड अ डिव हाउ टू इंसर्ट अ डिव इनसाइड अ डिव एंड सेंटर द डिव। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करेंगे कि स्टाइल का टैग लगाएंगे। स्टाइल का टैग हम कैसे स्टाइल का टैग लगा दिया। स्टाइल का टैग बंद कर दिया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बॉडी को करना है। बॉडी में हमने br का टैग, अच्छा पैडिंग में हमने 30 pixels, बैकग्राउंड कलर हमने इसको कहना है FC। ठीक है, इसके बाद हमने ये बॉडी को हमने कर दी। नेक्स्ट हमने आउटर डिव को अब करना है। आउटर डिव्स, ये हमारे पास आउटर डिव्स हैं। अच्छा मार्जिन ऑटो रख देते हैं। विड्थ हम इसको 150 pixels देते हैं। 150 pixels देते हैं। हमने हाइट दे दी इसको 150 pixels। अच्छा बैकग्राउंड कलर हम इसको देते हैं #CCC। ठीक है, और बॉर्डर रेडियस हम देते हैं इसको 3 pixels। ठीक है, उसके बाद हम जो हो गया, ये हमारा आउटर डिव है। ठीक है, अब इसी तरह हम अपना इनर डिव के ऊपर भी काम करते हैं। इनर डिव ये हो गया, ठीक है, इनर डिव भी मार्जिन हमारे पास यही आएगी ऑटो वाली। ठीक है, अगर विड्थ हमारे पास ये हो गई विड्थ 150 pixels। ठीक है, हाइट हमारे पास आती है 150 pixels। ठीक है, अच्छा उसके बाद बैकग्राउंड कलर हमारे पास आता है, ठीक है समझ आ गई। अच्छा अब बैग जो हमारे पास बॉर्डर रेडियस आए, वो हमारे पास आता है 3 pixels। ठीक है,
स्टूडेंट्स, ये एक बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आउटर डिव है, आउटर डिव के हमने मार्जिन सेट की है ऑटो, हमने जो विड्थ है इस हमारे जो आउटर डिव की वो 150 पिक्सल है, और उसके बाद एक हमने हाइट सेट की है 150, और हमने बैकग्राउंड कलर सी, और हमने बॉर्डर रेडियस आउटर डिव का रखा है जो रखा है 3 पिक्सल है, और एक इनर डिव है, एक आउटर डिव बनाई है और एक इनर डिव। अच्छा, अब हमने बॉडी में जाके डिव में जाके डिव दिए, डिव को हमने क्लास दे दी है और ये दिए आउटर, सही। उसके बाद नेक्स्ट हमने इस डिव के अंदर फिर डिव क्लास दी है इनर, ठीक है। अब हमने ये वाली डिव बंद कर दी, ठीक है। नेक्स्ट हमने ये वाली डिव बंद कर, अच्छा ये हमारी सारी वर्किंग ऑन द, हमने पूरी कोडिंग कर ली है। पहले मैं आपको बताता हूँ, हमने लिखा डॉक टाइप एचटीएमएल, एचटीएमएल हेडर स्टाइल बॉडी पैडिंग और बैकग्राउंड कलर, ठीक है। उसके बाद हमने इनर और आउटर डिव्स बना दिए हैं। अच्छा, अब हमने ये सेव कर दिया और हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया, ठीक है। ये हमारा, ये बेसिकली हमारा कौन सा डिव है, ये हमारा इनर डिव है, ये हमारा आउटर डिव। एक डिव के अंदर दूसरा डिव और उसको सेंटर भी किया, ठीक है। अब ये आज का लेक्चर था कि एक हमारे पास एक आउटर डिव है, हमने आउटर डिव के अंदर एक हमारे पास पहले हम कंस्ट्रक्ट करते हैं एक इनर डिव, एक इनर डिव के अंदर हमने आउटर डिव लगाया और उसको हमने सेंटर किया।